हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि रात में 7 बजे डेली आपकी क्लास होती है, जिसमें हम बिल्कुल से कम टाइम में ज्यादा चीजें देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सभी लोग डेली शाम को 7 बजे उपस्थित जरूर हो जाया करिए, बिल्कुल 7 बजे। और आप लोग भी थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करिए, जिससे कि सभी तक क्लास पहुंच जाए। हाँ, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, वेरी गुड, उपस्थित हो रहे हैं धीरे धीरे मटक मटक के। चलिए चलिए, देखिए टॉपिक तो सभी को पता है ना, क्या पढ़ाना है आज हमें। आज हमें आपके जितने भी आर्ट्स कॉलेज है ना, और उसकी स्थापना कब हुई, उसके संस्थापक कौन है, वहां पर निदेशक कौन है, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष, मतलब जो आर्ट कॉलेज है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक जैसी होती है, जैसे ये ब्लू पॉटरी, ब्लैक पॉटरी और ये टेराकोटा वगैरह, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है ना आप लोगों को, तो ये भी हमने साइड में लिख दिया क्योंकि थोड़ी सी जगह बच चुकी थी, तो हमने कहा यूज में आ जाए। चलिए, हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, जल्दी से उपस्थित हो जाए करें, टाइम रहते ही बिल्कुल, ठीक है। चलिए चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका कला विद्यालय दिया है, मद्रास कला विद्यालय, क्या दिया है, मद्रास कला विद्यालय, जो कि स्थापना होती है 1850 में होती है। अगर संस्थापक की बात की जाए, मद्रास कला विद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो आंसर होगा आपका अलेक्जेंडर हंटर। क्या होगा आंसर, अलेक्जेंडर हंटर होगा, ठीक है। अगर उसने पूछ लिया प्राचार्य कौन थे यहाँ पर, तो प्राचार्य हैं आपके 1884 में ईवी हैवेल। कौन थे, ईवी हैवेल। अगर पूछ लिया 1929 में प्राचार्य कौन थे, तो ये डीपी राय चौधरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके मद्रास कला विद्यालय के बारे में। अब दूसरा आपका कला विद्यालय आता है कलकत्ता, दूसरा है कलकत्ता कला विद्यालय। अब इसकी स्थापना कब होती है, तो आंसर दिया है आपका सामने 1854 में होती है स्थापना। फिर दे रहा है यहाँ के जो पहले प्राचार्य हैं, आगे लगा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा है क्योंकि हर चीज हम ही बताएंगे, बताइए हर चीज हम ही बताएंगे, आप लोग क्या करेंगे, आप भी बताइए आंसर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे छाप के बताना है कि कलकत्ता कला विद्यालय के जो प्राचार्य थे प्रथम, आपको आंसर करके बताना है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में भी छाप के बताना है। देखिए, आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं ताकि आप लोग भी साथ में अपना आंसर देते जाएं, और बाकी हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो आप करें ही करें, ठीक है। तो जो जो चीजें आपको आती हैं वो आप छापते जाइए, जो हमें आती है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। और हाँ, जितनी चीजें आज हम आपसे पूछेंगे सभी के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे छाप के बताने हैं। आज हम सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, पूछा हमने आपसे कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे, ये आंसर आपको बताना है। और दूसरे प्राचार्य कौन थे, ये आपके सामने लिखा है 1896 में आपके ईवी हैवेल, ठीक है। आगे अगर आपसे पूछ लिया कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे, तो आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर की तरफ। अब ये किस ईयर में थे, ये काम आपका है बताने का, तो ये आपको छाप के बताना है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है बंबई, क्या है दूसरा, बंबई कला विद्यालय, क्या है, बंबई कला विद्यालय। अब इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, इसकी स्थापना किस वर्ष होती है, या फिर पूछ लिया बंबई कला विद्यालय की स्थापना कब होती है, तो आंसर क्या होगा आपका, 1857, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 1857, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए चलिए, तो देखिए संस्थापक अगर पूछ लिए, अगर उन्होंने पूछा कि जो आपका जेजे स्कूल ऑफ आर्ट है इसके संस्थापक कौन है, तो आंसर जाएगा आपका विलियम जेरी की तरफ, ठीक है। अगर पूछ लिया यहाँ पर पहले प्राचार्य कौन थे, तो ये आपके लॉर्ड बुक किपलिंग थे, कौन, लॉर्ड बुक किपलिंग, ठीक है। अगर उसने पूछ लिया यहाँ पर पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे, पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे, तो ये आंसर आपको बताना है हमें, ठीक है। बंबई कला विद्यालय में पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे, ये आंसर आप लोग
हमें बताएंगे। फिर देखिए दूसरा आता है बड़ौदा विश्वविद्यालय आर्ट्स। इस कॉलेज की स्थापना बस याद कर लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना याद रखिए इसकी स्थापना 1950 में होती है। ठीक है, आगे पूछा जा सकता है आपसे कि चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज की स्थापना कब होती है। तो 1962 में होती है। और यहाँ के जो प्राचार्य हैं वो कौन है, यहाँ के जो प्राचार्य हैं आपके कौन, एस आर पाराशर हैं। ठीक है, और यहाँ के उप प्राचार्य कौन है, तो यहाँ पर सतीश गुजराल है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना सभी को, दिख नहीं रहा है, समझ में पूरा आ रहा है। हाँ, कल की हम एक बात बताते हैं, कल या परसों की ही है, अभी दो तीन दिन पहले की ही एक बात है कि एक लड़की थी, उसने बोला कि मैम मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। तो एक लड़के ने क्या बोला, रिप्लाई दिया कि 360 पर कर लो तो दिखने लगेगा, 360 पे कर लो तो दिखने लगेगा। तो लड़की क्या बोलती है, लड़की का रिप्लाई सुनिएगा, बहुत हंसी आएगी। तो क्या बोलती है, कहती है मेरे सुबह से लेकर शाम तक इतने काम होते हैं कि सारा डाटा उसी में चला जाता है, मैम के लिए डाटा बचता ही नहीं कि मैं ये क्लास देख पाऊं। तो बस उसी बात में मुझे थोड़ा सा हंसी आई कि मतलब कि पढ़ने के लिए इनका डाटा पूरा यूज हो जाता है, और बाकी वैसे सही बात भी है, सुबह से लेकर शाम तक इतने काम होते हैं कि आपको व्हाट्सएप भी चलाना है, फेसबुक भी चलाना है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, और बाकी बचा क्या, टेलीग्राम भी चलाना है, उसमें भी थोड़ा बहुत न्यूज आती रहती है तो देख लेते होंगे, है ना। और उसके अलावा क्या होता है, अरे सबसे बड़ा काम तो रह ही गया आपकी रील्स भी देखना है। तो इनमें सब डाटा फूक जाता है, तो क्लास 15 मिनट की होती है, उसमें काहे को फालतू फूका जाए, है ना। थोड़ी सा अगर डाटा बचा लेंगे तो भला नहीं हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा भला हो जाएगा, थोड़ी सा डाटा बचा लिया करिए, ठीक है, थोड़ा सा नेक काम में लगा लियो डाटा, हाँ, बस फूकने में रहते हैं डाटा। चलिए 15 मिनट की क्लास होती है, इतने के लिए डाटा बचा लियो करो, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे बीएचयू कला संकाय। क्या है बीएचयू कला संकाय, तो इसकी स्थापना है 1950 ईस्वी में होती है, और करने वाले कौन है आपके, राय कृष्ण दास। ठीक है, आगे पूछा जाएगा इलाहाबाद कला संकाय। चलिए क्या दे रहा है, इलाहाबाद कला संकाय इसकी स्थापना कब होती है, ये आंसर आपको छाप के बताना है। तो क्या है, इलाहाबाद कला संकाय की स्थापना कब होती है, तो ये आप छाप के बताएंगे कब होती है, और करते कौन है, संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर होगा के मजूमदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूछा जाएगा गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब होती है, तो 1976 में होती है, कब 1976 में। और अगर उसने पूछ लिया निदेशक कौन है, पूछा जाएगा आपसे कि निदेशक कौन है, तो आंसर जाएगा इसका शंभू चौधरी। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी हाई कर लिया करिए तो थोड़ा दिख जाया करेगा, ठीक है। 15 मिनट की क्लास होती है, उसमें भी आप लोग अगर कंजूसी करने लगेंगे ना तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आप लोग नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लासें मिल रही हैं वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो देखिए दूसरा पार्ट में क्या दिया है, यहाँ पर दे रहा है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। क्या है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, अब इसके बारे में देख लीजिए, तो इसकी स्थापना कब होती है, 1857 में होती है, और इसके जो संस्थापक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सवाई राम सिंह द्वितीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंदौर कला विद्यालय, इसकी स्थापना 1927 में होती है, और यहाँ पर जो कला शिक्षक थे वो कौन, देवलाली कर। ठीक है, आगे मेयो आर्ट्स कॉलेज, इसकी स्थापना 1875 में। अच्छा बताइए जल्दी से, मेयो आर्ट कॉलेज कहाँ पर है, ऑप्शन देते हैं, दिल्ली, मुंबई, लाहौर, अफगानिस्तान, चार ऑप्शन है आपको बता के रखना है। ठीक है, 1875 में होती है, यहाँ पर जो प्रथम प्राचार्य थे वो कौन, लॉकवुड किपलिंग, और फिर प्रथम भारतीय प्राचार्य पूछ ले तो आंसर जाएगा समरेंद्रनाथ गुप्त की तरफ। ठीक है, आगे फिर पूछा जाएगा शांति निकेतन। उस दिन हमने आपको तीन चीजें बताई थी, तीनों में डिफरेंस करके बताया था कि अगर ये पूछा जाए तो इसकी स्थापना इसमें होती है,
अगर वो पूछा जाए तो उसकी स्थापना उसमें होती है। ऐसे करके हमने तीन बताए थे। तो देखिए पहला दे रहा है शांति निकेतन, इसकी स्थापना कब होती है ये आपको छाप के बताना है। तो अब संस्थापक कौन है इसके, अगर देवेंद्रनाथ टैगोर दे दे तो भी आपको लगा देना है, अगर रवीन्द्रनाथ दे दे तो भी आपको लगा देना है, ठीक है। इनमें से एक ही देगा तो आप लोग देख लीजिएगा किस हिसाब से ऑप्शन पूछा जा रहा है। आगे कला भवन, कला भवन की कब, 1919 में, किसने की, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर बोलेगा विश्व भारती विश्वविद्यालय कब होती है, 1921 में, और लखनऊ कला विद्यालय 1911 में होती है, और पहले प्राचार्य कौन थे तो ये नेथेडियल हर्ड थे, ठीक है, और फर्स्ट भारतीय प्राचार्य कौन थे तो ये असित कुमार हलदार थे। लेकिन अब आपको यहां से क्वेश्चन बताना है आंसर इसका कि असित कुमार हलदार किस ईयर में लखनऊ में प्राचार्य के पद पे थे, ठीक है। आगे आगे है नंदन संग्रहालय, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसके संस्थापक है नंदलाल बोस, नंदन संग्रहालय नंदलाल बोस, ठीक है। चलिए आगे पूछा जा रहा है शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट, क्या है शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट, तो इसकी स्थापना 1926 में दिल्ली में होती है और संस्थापक कौन है, शारदा चरण उकील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर पूछा जा रहा है वनस्थली विद्यापीठ, क्या पूछा जा रहा है वनस्थली विद्यापीठ, इसकी स्थापना 1937 में राजस्थान में होती है और करने वाले कौन है तो देवकी नंदन शर्मा, ठीक है। देखिए जितने क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं ना सभी के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। ये बताइए मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है, अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना। चलिए सभी लोग टाइम से आया करिए, ठीक है, हाँ बीच में बढ़िया से धुनंगते धुनंगते आ जाते हैं, आगे चलते हैं। आगे दे रहा है, अच्छा ये बचा है अभी, आगे दे रहा है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, इसकी स्थापना कब होती है तो ये 1888 में होती है, संस्थापक कौन है तो ये आपके फॉरेस्ट, ठीक है। आगे अच्छा अब आपको ये बताना है AIFCS ये कौन सी चिड़िया है, ये कौन सी चिड़िया है AIFCS, इसके बारे में आपको जो जो चीज जानकारी हो वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे छाप के बताना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये आपका न्यू दिल्ली में 1928 में इसकी स्थापना होती है, याद रखना है, और यहां से एक पत्रिका जारी होती है रूपरेखा, पूछा जाता है रूपरेखा को जारी किसके द्वारा किया गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा गया मासिक पत्रिका आर्ट न्यूज इसको जारी किसने किया तो भी आंसर यही हो जाएगा। फिर आपसे एक चीज पूछा जाएगा कि कलाश्री और कला सम्राट ये जो दो अवार्ड है ये कौन जारी करता है, तब भी आंसर आपका यही हो जाएगा। अब इसके बारे में जो जो चीजें आपको पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स पे छाप के बताना, ठीक है। चलिए क्लास कैसी लग रही है, समझ में तो आ रहा है ना, हाँ चलिए आप लोग भी आंसर छापते जाए करिए, ठीक है, साथ साथ, हाँ चलिए शाबाश। आगे चलते हैं, आगे दे रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1784 में होती है, करते कौन है तो विलियम जॉन्स भाई साहब करते हैं, याद रखना है। आगे बोलेगा भारत भवन भोपाल, बहुत इंपॉर्टेंट, कब होती है स्थापना, 1982 में, वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया है अपने, और संस्थापक है आपके अशोक भाई साहब और निदेशक है आपके जे स्वामीनाथन, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, पूछा जाएगा भारत कला भवन बनारस इसकी स्थापना कब होती है, तो कब होती है 1920 में होती है, ठीक है, करने वाले राय कृष्णदास हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा जवाहर कला केंद्र, इसकी स्थापना 1993 में होती है, करने वाले कौन है संस्थापक तो आपके वही है आपके भाई साहब चार्ल्स कोरिया। आगे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी इसकी कब होती है तो 1954 में होती है, और कहा मतलब किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, नहीं पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में, और यहां पर जो मतलब प्रधानाचार्य थे प्राचार्य थे वो कौन थे ये पूछा है तो ये डीपी राय चौधरी, ठीक है। आगे पूछा जाएगा राज्य ललित कला अकादमी, क्या है राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1962 में होती है, और यहाँ पर जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा इसको थोड़ा सा वर्तमान का पूछा जा सकता है करंट का,
ठीक है। तो देखिए, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 ईस्वी में, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मुकेश कुमार है, और सचिव कौन है, राजेंद्र सिंह पुंडीर है। ठीक है, ये आपका करंट का डाटा था। आगे दिया है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, इसकी स्थापना तो 1954 में होती है, कहां पर, आपके नई दिल्ली में। और यहां पर जो प्राचार्य थे वो कौन, तो यहां पर हरमन गोपाल थे। और फिर दे रहा है जो प्रथम भारतीय जो प्राचार्य थे वो कौन थे, मुकुल चंद्र डे थे। फिर पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इधर के अध्यक्ष, ये डाटा याद रखिएगा जो करंट वाला है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है ये ज्यादा पूछ ले, क्योंकि करंट की चीजें ज्यादा पूछी जाती है कि यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर कैसी क्या चीजें हो रही है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्या है वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अद्वैत गणनायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ की जो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा है, जो इसके रीजनल सेंटर है, दो रीजनल सेंटर है, कौन कौन से है, तो पहला है आपका मुंबई, दूसरा है बेंगलोर। ठीक है, पहला है मुंबई, दूसरा है बेंगलोर। तो यहां से जितने भी कला आर्ट के मतलब संस्थापक पूछे जा सकते थे और प्राचार्य वगैरह पूछे जा सकते थे, तो ये हमने सब आपको पढ़ा दिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, 2 से 3 बार सुन लीजिएगा। चलिए, मजा आ रहा है क्लास में, शाबाश। चलिए, तो देखिए ये जो आपके सामने दिया हुआ है तो देख लेते हैं। पहला नंबर है ब्लू पॉटरी के लिए कौन फेमस है, कहाँ के लिए, मतलब पूछा जा सकता है आपसे कि ब्लू पॉटरी कहाँ के लिए फेमस है, तो याद रखना है जयपुर राजस्थान में फेमस है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा ब्लैक पॉटरी, तो ये निजामाबाद उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के पास। ठीक है, फिर दे रहा है एम्फोरा पॉटरी, तो ये ग्रीक यूनान में है फेमस। आगे चीनी मिट्टी के बर्तन, तो ये अपने खुर्जा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये जो ग्लास वगैरह होते हैं ना, सिरेमिक अनुसंधान केंद्र, ये भी आपके खुर्जा में ही है। ठीक है, आगे दे रहा है हनीवा टेराकोटा, सभी को रटा है, ये सब चीजें रटी हुई है। हनीवा टेराकोटा तो जापान में, भारत में प्रसिद्ध टेराकोटा, भारत में अगर पूछेगा ना तो आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है हनीवा टेराकोटा जापान में है, लेकिन भारत में प्रसिद्ध टेराकोटा आपका बस्तर है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, हाँ, अगर उसने पूछ लिया उत्तर प्रदेश में टेराकोटा कहाँ फेमस है, तो ये तो सभी को रटा हुआ है, गोरखपुर को जीआई टैग भी प्राप्त है इसका। और मोलेरा टेराकोटा, तो ये राजस्थान। ठीक है, तो ये आपकी जो आज की क्लास थी वो हमने रख दी आपके सामने। अब ये नीचे भाई साहब बबुआ जी बने हैं, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। देखिए, ये बबुआ जी बने हैं आपके, प्रसन्न लग रहे हैं, जीभ निकाले हुए हैं, लगता है इसको चॉकलेट दे दी किसी ने, आप ही लोगों में से किसी ने दी होगी चॉकलेट, किसने दी है। चलिए, हाँ, क्लास कैसी लगी सभी को, फटाफट से करेंगे, क्लास कैसी लगी। चलिए, ऐसे ही देते रहिए चॉकलेट बढ़िया से। हाँ, बबुआ प्रसन्न रहेगा तभी। चलिए, तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाफट से। चलिए, वैसे पीडीएफ हम सारी टेलीग्राम पे डाल देते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से।